विधानसभा में, इनमें भाजपा से लोकसभा चुनाव में भाजपा का महेंद्र सिंह सोलंकी खड़ा होया और कांग्रेस से राजेंद्र मालवी खड़ा होया। हम पूछना चाहें कि अभी तक जो है कतरो काम हुयो कतरो नहीं हुआ, भाजपा में कितनों काम करियो और कांग्रेस ने कितनों काम करियो। हमारे साथ कुछ मनक साथ है, उनसे हम पूछना चाहेंगे कितनों काम हुए और कितने नहीं हुआ, और वर्तमान में जो सांसद होया है और भाजपा ने फिर दोबारा जो है सांसद बन के जो है बनाए हो महेंद्र सिंह सोलंकी के, तो उनने कतरों काम करियो और मोदी जी के हिसाब से वोट देगा कि जो है ना वर्तमान में जो सांसद है महेंद्र सिंह सोलंकी वन के हिसाब से देगा। आप बताओ कभी जो उम्मीदवार है बीजेपी को उन्हें कितनों काम करियो हमारे भाई। अभी तक तो हमारा क्षेत्र में जितना भी वोट मिली रहा है कि नरेंद्र मोदी के देखे ने हम डाली रहा है, और के भी हमने महेंद्र सिंह के वोट दियो तो हमने मोदी के देखे ने दियो। तो एल के अब बात करा अपन मोदी जी की, तो मोदी जी ने राम मंदिर बनवायो, मोदी जी ने 370 धारा हटवाई थी, मोदी जी ने जगह जगह टापरा बनवा दिया लोगों का, ऐसी कई योजना मोदी जी लाया है। तो हमारे तो सोच ही बीजेपी की है, हमारा तो मोदी के देखे ना वोट देना है। और बात अपन सांसद जी की करा तो सांसद जी पिछली बार भी कह रहा था कि रेल लाएंगा, जब चुनाव आए जब रेल आई जाए अगर, ठीक है, पहले फोर लेन की बात चली रही थी कि फोर लेन लाएंगा, वो फोर लेन उनने करोड़ रेड़ी दियो, तो अभी चुनाव आएगी वापस से फोर लेन को लालू पाप पकड़ाएगा, ट्रेन को लालू पाप पकड़ाएगा ना, बाद में चुनाव जीते ना वापस टाइटाइपिस हो जाएगा। तो ये जो कह रहा है कि महेंद्र सिंह सोलंकी जो था उन्हें रेल को वादा करियो तो, और उसके बाद रेल नहीं आई।